गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल बी स्टडी मोरल साइंस ऑफ क्लास सेकंड. योर बुक नेम इज मोरल वैल्यूज. सो प्लीज टेक आउट योर एमएससी बुक. एंड नाउ ओपन योर बुक. पेज नंबर 26. टुडे वी विल बी स्टडी चैप्टर 7. योर चैप्टर नेम इज द स्टोन सूप. योर चैप्टर नेम इज द स्टोन सूप मीन्स पत्थर का सूप. आपके चैप्टर का जो नेम है उसका मीन्स है पत्थर का सूप. स्टोन मीन्स पत्थर और सूप मीन्स सूप. तो पत्थर का सूप. तो जो आपका चैप्टर है इसमें स्टोरी जो है वो पत्थर के सूप पे बेस्ड है. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या स्टोरी दी हुई है स्टोन के सूप में. सो लेट्स स्टार्ट. अ ट्रेवलर कम टू अ विलेज टायर्ड एंड हंग्री. अ ट्रेवलर कम टू अ विलेज टायर्ड एंड हंग्री. अ ट्रेवलर मीन्स एक मुसाफिर गाँव आया. एक मुसाफिर गाँव आया और टायर्ड एंड हंग्री. वो थक गया था और बहुत ही भूखा था. एक मुसाफिर गांव आया जो कि थक गया था और भूखा था. इज देयर एंड फूड सॉरी इज देयर एनी फूड प्लीज आई हैव नॉट ईटन फॉर टू डेज ही आस्क्ड एट अ हाउस. इज देयर एनी फूड प्लीज. क्या कोई खाना है कृपया. प्लीज कृपया. आई हैव नॉट ईटन फॉर टू डेज. मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है. मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है. ही आस्क्ड एट अ हाउस. उसने एक घर में पूछा. उसने ऐसा एक घर में पूछा. देखिए एक मुसाफिर था जो कि गांव आया और वो थका हुआ था और वो भूखा था. तथा एक मुसाफिर गाँव आया थका और भूखा था. क्या कोई खाना है कृपया. मैं दो दिन से कुछ नहीं खाया हूँ. उसने एक घर में पूछा. नो सेड द पीपल. नो सेड द पीपल. नो सेड द पीपल नहीं लोगों ने कहा. नो नहीं सेड द पीपल लोगों ने कहा. वी टू डू नॉट हैव मच फूड. We too do not have much food. हमारे पास भी ज़्यादा खाना नहीं है. We cannot give you any. We cannot give you any. हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं. हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं. Again, no said the people. We too do not have much food. We cannot give you any. नहीं लोगों ने कहा हमारे पास भी ज़्यादा खाना नहीं है. हम आपको कुछ नहीं दे सकते हैं. इफ़ यू कैन पुट अ पॉट. इफ़ यू कैन पुट अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर. इफ़ यू कैन पुट अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर. आई हैव समथिंग टू शेयर. आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू सेड द ट्रेवलर. If you cannot put a pot of water on the fire, यदि आप पानी के बर्तन में आग लगा सकते हैं. I have something to share. I have something to share with you. तो मेरे पास आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए है. Said the traveler. यात्री ने कहा. यदि आप अपनी लाइफ If you can put a pot of water on the fire, I have something to share with you, said the traveler. यदि आप पानी के बर्तन में आग लगा सकते हैं तो मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए मीन्स आपको देने हम लोग शेयर करने के लिए कुछ है. यात्री ने कहा.
said the traveler. किसने कहा? यात्री ने कहा. The village agreed. The villagers agreed. मीन्स जो ग्रामीण के मतलब जितने गांव में रहने वाले लोग थे, तो उसे विलेजर मीन्स होता है ग्रामीण. तो ग्रामीण मान गए, जो रहते हैं उसकी बात से अग्री रहते हैं वो मान जाते हैं. द विलेजर्स अग्रीड, ग्रामीण मान गए. दे पुट अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर. दे पुट अ पॉट ऑफ वाटर ऑन द फायर. उन्होंने पानी के एक बर्तन को आग में आग पर रख दिया. उन्होंने पानी के एक बर्तन को आग पर रख दिया. सून द वॉटर बिगेन टू बॉयल. कुछ देर में पानी उबलने लगा. कुछ देर में पानी उबलने लगा. देखिए, द विलेजर्स अग्रीड. दे पुट अ पॉट ऑफ वॉटर ऑन द फायर. सून द वॉटर बिगेन टू बॉयल. ग्रामीण मान गए, जो गांव वाले लोग थे वो मान गए. उन्होंने पानी के एक बर्तन को आग पर रख दिया. कुछ ही देर में पानी उबलने लगा. देन द ट्रेवलर टुक आउट अ लार्ज स्टोन फ्रॉम हिज बैग एंड पुट इन टू द पॉट. देन द ट्रेवलर टुक आउट अ लार्ज स्टोन फ्रॉम हिज बैग एंड पुट इट इनटू द पॉट. तब यात्री ने अपने बैग से, थैले से, जो भी झोला है, बैग, जो बैग दिया है ना. देन द ट्रेवलर टुक आउट अ लार्जर स्टोन फ्रॉम द बैग. तो बैग मीन्स आपका थैला होता है, बैग कहिए, झोला कहिए, तो जो आप लोग को इजी लगे आप लोग समझिए. तब यात्री ने अपने थैले से, अपने बैग से एक बड़ा सा पत्थर निकाला और जो बर्तन था उसमें रख दिया. जो बर्तन आग पे रखा गया था, जो पॉट, उस पॉट में उस स्टोन को रख दिया. तब यात्री ने अपने थैले से एक बड़ा सा पत्थर निकाला और बर्तन में रख दिया. आई एम मेकिंग स्टोन सूप. मैं स्टोन सूप बना रहा हूँ. मैं स्टोन सूप बना रहा हूँ. ही सेड उन्होंने कहा. बट इट विल टेस्ट बेटर विथ सम वेजिटेबल्स, पीज एंड मीट. लेकिन इसका स्वाद होगा कुछ सब्जियों, मटर और मांस के साथ. मांस जो है उससे बेटर होगा, उससे बेहतर होगा. जिसका टेस्ट है, जिसका स्वाद है, वो जो सब्जियां होती हैं, मटर होते हैं, मांस होते हैं, उससे बेहतर होगा. ये आई एम मेकिंग स्टोन सूप, ही शेड, बट इट विल टेस्ट बेटर विथ सम वेजिटेबल्स, पीज एंड मीट. मैं स्टोन सूप बना रहा हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन इसका स्वाद, इसका टेस्ट जो कुछ सब्जियों, मटर और मांस से बेहतर होगा. स्लोली वन बाय वन ईच पर्सन ऑफ द विलेज ड्रॉप्ड समथिंग इन द पॉट. स्लोली वन बाय वन ईच पर्सन ऑफ द विलेज ड्रॉप्ड समथिंग इन टू द पॉट. पहले ये वाली लाइन जब आप लोग क्लियर समझेंगे तो ही आपको ये लाइन समझ में आएगी. आई एम मेकिंग स्टोन सूप, ही सेड, बट इट विल टेस्ट बेटर विथ सम वेजिटेबल्स, पीज एंड मीट. ये बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि क्या कहते हैं जो इसकी जो स्टोन सूप बना रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि जो स्टोन सूप है वो जो सब्जी और मटर और जो मीट होंगे उससे इसका टेस्ट बेहतर होगा, उसके साथ इसका टेस्ट बेहतर होगा, ये बोल रहा है. देखिए लिखा है बेटर विथ सम वेजिटेबल्स, पीज एंड मीट. तो ये बोल रहा है कि आई एम मेकिंग स्टोन सूप, ही सेड, बट इट विल टेस्ट बेटर विथ सम वेजिटेबल्स, पीज एंड मीट.
मैं स्टोन सूप बना रहा हूँ, उन्होंने कहा। लेकिन इसका स्वाद जो है, इसका टेस्ट जो है, वो कुछ सब्जी, मटर और मांस के साथ, मतलब इन सब चीज़ों के साथ इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर होगा। क्या होगा? जो इसका टेस्ट है, स्टोन सूप का टेस्ट है, उसका किसके साथ बेटर? जो इस कुछ सब्जी, कुछ मटर और कुछ मीट के साथ, ये सब के साथ जो स्टोन सूप का जो टेस्ट होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये लाइन? ये नहीं है कि जो वेजिटेबल्स और पीज और मटर, इससे इसका टेस्ट बेहतर होगा, इसके साथ में स्टोन सूप का टेस्ट जो होगा बेहतर होगा। ये लाइन आप लोग क्लियर अच्छे से समझिए। देखिए फिर से मैं एक बार बता दे रही हूँ। आई एम मेकिंग स्टोन सूप ही सेड, बट इट विल टेस्ट बेटर विथ सम वेजिटेबल्स, पीज एंड मीट। मैं स्टोन सूप बना रहा हूँ, उन्होंने कहा। लेकिन इसका स्वाद, इसका टेस्ट कुछ सब्जियों, मटर और मांस के साथ ज़्यादा अच्छा होगा इसका टेस्ट। जब ये सब चीज़ें पड़ेंगी तो इसका जो टेस्ट, जो स्टोन सूप का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या पड़ेंगी? तो कुछ सब्जियाँ, मटर और मांस के साथ इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा, इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा होगा। स्लोली वन बाई वन ईच पर्सन ऑफ द विलेज ड्रॉप्ड समथिंग इन द पॉट। स्लोली वन बाई वन ईच पर्सन ऑफ द विलेज ड्रॉप्ड समथिंग इन टू द पॉट। धीरे धीरे गाँव के हर एक पर्सन ने, मतलब हर एक लोगों ने, हर एक व्यक्ति ने एक एक करके गमले में कुछ न कुछ डाल दिया। जो पॉट रहता है, उस पॉट में, जिस पॉट में स्टोन का सूप बनता रहता है, उसी में गांव वाले वन बाई वन, मीन्स कि एक एक करके हर एक व्यक्ति ने, मतलब गांव में जितने लोग रहते हैं वो सब ने एक एक करके कुछ न कुछ जो बर्तन रहता है उसमें डालते जाते हैं, कुछ न कुछ डाल दिया। एन ओनियन, अ पोटैटो, सम जिंजर, अ बिट ऑफ सॉल्ट, अ कैरेट, अ टोमेटो, सम मीट, अ हैंडफुल ऑफ पीस एंड सूल। एन ओनियन, अ पोटैटो, सम जिंजर, अ बिट ऑफ सॉल्ट, अ बिट ऑफ सॉल्ट, अ कैरेट, अ टोमेटो, सम मीट, अ हैंडफुल ऑफ पीस एंड सूल। एक प्याज, एन ओनियन, एक प्याज, अ पोटैटो, एक आलू, सम जिंजर, कुछ अदरक, अ बिट ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक, अ कैरेट, एक गाजर, अ टोमेटो, एक टमाटर, सम मीट, कुछ मांस, अ हैंडफुल ऑफ पीस, एक मुट्ठी मटर, जो मुट्ठी ऐसे बनाते हैं ना, वही हैंडफुल, अ हैंडफुल, तो एक मुट्ठी मटर एंड सून, और भी सारी चीज़ें, मतलब और भी जो भी ऐसे ही कुछ ना कुछ लोग डालते हैं, तो और भी एंड सून मीन्स की और सारी चीज़ें। फिर से देख लीजिए, एन ओनियन, एक प्याज, अ पोटैटो, एक आलू, सम जिंजर, कुछ अदरक, अ बिट ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक, अ कैरेट, एक गाजर, अ टोमेटो, एक टमाटर, सम मीट, कुछ मांस, अ हैंडफुल ऑफ पीस, एक मुट्ठी मटर एंड सून इत्यादि। सून द सूप वॉज रेडी, सून द सूप वॉज रेडी, जल्द ही सूप तैयार हो गया। सून द सूप वॉज रेडी, जल्द ही सूप रेडी हो गया, तैयार हो गया। द इंटायर विलेज हैड अ गुड डिनर, पूरे गांव ने अच्छा खाना खाया। Now we know the people said. अब हम जानते हैं कि the people said, लोगों ने कहा। The people said, लोगों ने कहा।
Sharing thinking helps everyone. Sharing thinking helps everyone. शेयर करना मीन्स अपनी जो भी चीजें उसको एक दूसरे को देना, चीजों को शेयर करने से हर किसी की हेल्प होती है, हर किसी की मदद होती है. शेयरिंग थिंग्स हेल्प एवरी वन. शेयरिंग थिंग्स हेल्प एवरी वन. शेयर करने से, चीजों को शेयर करने से एक दूसरे की हेल्प होती है. कोई भी चीजें आप दूसरे को शेयर करोगे, कोई भी चीजें, कोई भी थिंग्स है आपके पास, उसको आप लोग शेयर करोगे तो उससे क्या होगी, एक दूसरे की हेल्प होगी. जैसे आप स्कूल में आते हो, किसी के पास पेंसिल होता है, इरेजर नहीं होता है, उसका कुछ गलत हो जाता है, उसको इरेज करना होता है तो आप उसको इरेजर देते हो. फिर आपको अगर पास पेंसिल नहीं होता तो जिसको आपने इरेजर दिया उससे पेंसिल लेते हो. तो ऐसे एक दूसरे को चीजें देते हैं. आपके पास पेंसिल नहीं थी तो उसने पेंसिल दिया, उसके पास इरेजर नहीं था तो आपने क्या किया, उसको इरेजर दिया. तो इससे आप लोग अपनी थिंग्स की शेयरिंग की, तो इससे क्या हुई, एक दूसरे की हेल्प हुई. तो इसलिए हमें हमेशा जो आपके पास चीजें होती हैं, अगर किसी को किस चीज़ की जरूरत हो, कोई भी चीज उसको चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी हेल्प जरूर करना चाहिए. इसमें देखते हैं ना कि वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास तो खाने के लिए बहुत थोड़ी सी चीजें हैं, हम कैसे आपको दे दें. और उसको जो ट्रेवलर रहता है उसको क्या रहता है, बहुत भूख लगा रहता है, थका हुआ भी रहता है. तो उसके ऐसा करने से क्या होता है, सारे, एक तो सभी लोग अच्छा खाना नहीं खाते, थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, लेकिन ऐसे करने से सब लोगों ने सब कुछ उस बर्तन में जो स्टोन की सूप बनाया था उसमें डाला, सबने सब कुछ शेयर किया, तो क्या हुआ, पूरे गांव वाले लोगों ने अच्छा खाना खाया. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें थिंग्स को, जो भी आपके पास थिंग्स है, उस थिंग्स की हमें क्या करनी चाहिए, शेयर करना चाहिए, जिससे कि हमें एक दूसरे की हेल्प हो. इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है, देखिए, Sharing make our lives easy and better. Sharing makes our lives. Sharing making our lives. Sharing making our lives easy and better. Sharing makes our lives easy and better. चीज़ों को शेयर करने से, कुछ भी चीज़ें, सिर्फ कोई भी चीज़ें शेयर करने से हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो क्या होता है, आसान हो जाता है और बहुत ही बेहतर हो जाता है. इजी एंड बेटर, वो बहुत ही आसान और बेहतर हो जाता है. तो शेयरिंग मेक्स आवर लाइफ्स इजी एंड बेटर. शेयर करना, एक दूसरे को चीज़ों को लेना देना, इससे हमारे जो जीवन है वो आसान और बेहतर हो जाता है. तो ये था आपका चैप्टर 7, द स्टोन सूप. इससे आप लोगों को ये सीखने को मिला कि हमें किसी की हमेशा चीज़ों को शेयर करना चाहिए, और एक दूसरे से आप कुछ शेयर जब करोगे तो वैसे ही एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी. तो इससे दोनों ही चीज़ सीखने को मिलता है कि हमें शेयर भी करना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प भी करनी चाहिए. तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं. सो थैंक यू सो मच. होप कि आप लोग को ये स्टोरी क्लियर समझ में आ गई हो. इस चैप्टर को आप लोग रीडिंग लगाइएगा और साथ में उसको स्टोरी को समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो की हेल्प से एंड अपने पेरेंट्स की हेल्प से. थैंक यू सो मच.